स्वागत है आपका स्टेट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान पारसनाथ की पवित्र धरा सम्मेद शिखर में जैन मुनि प्राचार्य प्रसन्न सागर ने शनिवार को 557 दिनों का महापरना मौन व्रत तोड़ा। सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर स्थित गुफा से निकलने के बाद मुनिश्री की भव्य पालकी यात्रा नीचे मधुबन पहुंची। मुनिश्री ने नमा ओम श्री वचन बोलकर मौन व्रत तोड़ा। उन्होंने संक्षिप्त संदेश में कहा कि आत्मा अमर है, जिससे डरने की जरूरत नहीं है। योग गुरु स्वामी रामदेव सम्मेद शिखर मधुबन में आयोजित महापरना महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। जैन समाज के लोगों ने रामदेव का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो मंच पर गए और मुनि प्रसन्न सागर का आशीर्वाद लिया। सम्मेद शिखर मधुबन में आयोजित महापरना महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पारसनाथ पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के भक्तों में भारी उत्साह था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई समेत अन्य राज्यों से आए जैन समाज के लोगों ने अपने अपने तरीके से जैन मुनि का स्वागत किया। 8 दिवसीय महापरना महाप्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन शनिवार को प्रसन्न सागर की पालकी यात्रा पारसनाथ पर्वत से नीचे उतरकर सीधे आयोजन स्थल पहुंची, जहां 70,000 से भी अधिक भक्तों के बैठने की खास व्यवस्था की गई थी। 1,00,000 वर्ग फीट में बने भव्य पंडाल की सजावट भव्य तरीके से की गई थी। पंडाल में जैन मुनि पीयूष सागर समेत दिगंबर जैन समाज के 15 से अधिक जैन मुनि मंचासीन थे। इस दौरान जैन समाज के पदधारी ऋषभ जैन और संजय जैन ने मंच संचालन किया। इनको अलग अलग शास्त्रों में कहीं चंद्रायण व्रत, कहीं और, अभी मैं देख रहा था इधर सिंह निष्क्रीड़ित व्रत इसके लिए जैन धर्म में संज्ञा है। और फिर वो सिंहत्व, वो वीरत्व, वो एक बुद्धत्व, जो एक संबोधि की स्थिति है, सहज समाधि, सहज योग, सहज ध्यान, जीते जी शरीर के इंद्रियों के मन के बंधन क्षीण कर देना, ये जीवन मुक्त होने का उपक्रम है, ये उपवास। पच्चीस से 30 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें यौवन अपनी पराकाष्ठा में होता है। और इस समय जिसको अंग्रेजी में स्पर्म ओवम, आयुर्वेद में जिसको शुक्र और रज कहते हैं, वो परिपक्व स्वस्थ होता है और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ये आयु आरोग्य की दृष्टि से, और यदि हम आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें, तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं, और जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं तब बूढ़े होकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो ये लाइफ साइकिल गड़बड़ा रहा है। तो उनका बयान काफी हद तक सही है, तो मैंने बोली सर, तो जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है वह कोई अतार्किक, अप्रासंगिक या किसी भी तरह से वह किसी आग्रह से, दुराग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक वैज्ञानिक बात है। बागेश्वर धाम जो पीठाधीश है, उनका समर्थन किया जा रहा है आपके तरफ से? मैंने ये बात कही थी, हर बात को झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास कह करके नकारना भी ठीक नहीं है, और हर बात को
चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं, और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है, और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छत्म करते हैं, तो उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना पाखंड इस्लाम में है, ईसाइयत में। जहां तक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, वह एक युवा हैं, प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, उनमें कोई ढोंग आडंबर छल पाखंड अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में भूत प्रेत। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस भारत गणराज्य जो लगातार आगे बढ़ रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और यह वर्ष G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा और इसकी विविधता का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर होना है। इस गणतंत्र दिवस पे हम सब लोग इस भारत के गणराज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं कास्ट चंदनकारी से पूरे झारखंड को, देशवासियों को देते हैं। बहुत बहुत बधाई। आप सभी युवा साथियों को, युवा भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा रांची महानगर की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वर्ष सरस्वती पूजा भी गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को है। आप सभी को सरस्वती पूजा की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बने, आप खूब आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। मैं सभी को अपने यूनिवर्सिटी के सभी जो मेंबर्स हैं और बाहर के जितने आदरणीय जो जनता हैं, सबको मैं 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।